So we have seen input devices in last session. Before going to the output devices, we will be seeing about processing device. Okay, so now what are processing device? Processing means to use or to analyze input data to produce a result. ठीक है, अभी input दिया, ठीक है, directly हमें output नहीं मिलेगा ना, we are not able to get a directly output. What we are going to do? सबसे पहले हमें क्या होगा, हम लोग इनपुट देंगे, फिर उसके ऊपर प्रोसेस होगा. जैसे मैंने आपको आईपीओ साइकिल सिखाया था, राइट? आईपीओ साइकिल में क्या होता था, इनपुट हम लोग देते थे, फिर उसमें प्रोसेसिंग होता था, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता था, राइट? फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर, यू ऑल हैव यूज्ड अ कैलकुलेटर. ठीक है, कैलकुलेटर सबने यूज किया है. कैलकुलेटर यूज करते वक्त, ठीक है, यू आर गिविंग टू नंबर्स, 2 + 2. ओके, यू हैव गिवन टू नंबर्स, 2 + 2 किया, डायरेक्टली 4 मिला? नो. व्हाट कैलकुलेटर विल डू, 2 + 2 का जो भी क्वेश्चन है वो सबसे पहले प्रोसेस होगा, सीपीयू में जाएगा, मेमोरी में जाएगा. मेमोरी में जाने के बाद उसको प्रोसेस होगा, ठीक है, कि 2 + 2 का आंसर क्या होगा, वो प्रोसेस करेगा, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा 4. ओके, आई विल गिव अ लाइवली एग्जाम्पल. अगर अभी मैंने आपको पूछा, ठीक है, आई आस्क्ड यू कि टेल मी व्हाट इज इनपुट डिवाइस. ठीक है, मैंने पूछा इनपुट डिवाइस क्या है, तो आप डायरेक्टली आंसर नहीं दोगे, आप क्या करोगे, मेरा क्वेश्चन सुनोगे, मींस इनपुट, यू आर टेकिंग एन इनपुट. टीचर ने जो भी क्वेश्चन पूछा, यू आर टेकिंग एन इनपुट. आपने सोचा, सोच रहे हो, मतलब प्रोसेस हो रहा है आपके माइंड में. ठीक है, इनपुट डिवाइस का आंसर आप सोच रहे हो माइंड में, राइट? तो मतलब आपका आंसर रिवाइज हो रहा है, मींस प्रोसेस हो रहा है. उसके बाद यू विल स्पीक आउट. ठीक है, उसके बाद यू विल बी स्पीकिंग आउट. व्हाट दैट मींस, दैट मींस स्पीकिंग आउट मींस यू आर गिविंग एन आउटपुट. और जो ब्रेन में, माइंड में आप सोच रहे हो, ठीक है, इनपुट डिवाइस का आंसर क्या होगा, वो जो सोच रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग. समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने आपको मिल्क शेक का एग्जाम्पल दिया था, बनाना मिल्क शेक. ओके, बनाना लिया, मिल्क लिया. ठीक है, अगर मिक्सर नहीं है तो बनाना मिल्क शेक बनेगा? नो. उसको प्रोसेस करने के लिए वी नीड एन मिक्सर. ठीक है, विदाउट मिक्सर हमारा बनाना मिल्क शेक नहीं बनेगा. ठीक है, मिक्सर में जब वो मिक्स हो रहा है, मिक्सर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो मिक्स हो रहा है, और बनाना मिल्क शेक जब बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग हो रहा है उसका. और आउटपुट क्या मिलेगा, अ ग्लास फुल ऑफ बनाना मिल्क शेक. ओके, तो प्रोसेसिंग मतलब क्या है, सबको समझ में आया? यस. इनपुट डिवाइसेस क्या है, हम लोग इनपुट दे रहे, ठीक है, इनपुट दे रहे, जैसे कि बनाना और मिल्क हमने इनपुट दे दिया. ठीक है, प्रोसेसिंग मतलब क्या है, मिक्सिंग कर रहे उसको. ठीक है, मिक्सिंग मतलब बनाना और मिल्क मिक्स हो रहा है, दैट इज प्रोसेस हो रहा है उसके ऊपर. और आउटपुट क्या होगा, जो हमें मिल्क शेक रेडी होके मिलेगा, वो हमारा आउटपुट होगा. ओके, सो प्रोसेस, आई एम जस्ट रीडिंग आउट, जस्ट पे अटेंशन. प्रोसेसिंग मीन्स टू यूज और टू एनालाइज इनपुट डेटा टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट. कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस होने के लिए, वॉट एवर इट मे बी, आप नॉर्मली जब बात कर रहे हो, नॉर्मली आप कुछ भी काम कर रहे हो, हर चीज में इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता ही है. Without these three things, you are not able to do any work. Okay? So, it is a thing, it is a process which analyze input. Input ko analyze karta hai to get a output. 2 + 2 humne calculator ko diya. To directly answer nahi dega na. What calculator will do? Calculator kya karega? Wo process karega. Process karne ke baad hi aapko answer milega. Right? To accomplish this task, the computer uses the processor and मेमोरी. तो ये सब टास्क, इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना, ये सब चीजें के लिए कंप्यूटर के पास क्या होना चाहिए, प्रोसेसर होना चाहिए, मेमोरी होना चाहिए. ठीक है, वन मोर एग्जांपल आई विल गिव. फॉर एग्जांपल आपके घर पे मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया. ठीक है, नाउ जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे, आप मम्मी को बता पाओगे क्या कि हाँ मम्मा बहुत अच्छा बना खाना बनाया? नो. तो मम्मी ने इनपुट दे दिया, आपको खाना आपके टेबल पे आ गया, बट जब तक आप खाओगे नहीं, प्रोसेस नहीं करोगे वो खाने पे, तो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट वो खाने का टेस्ट कैसा है, अच्छा है या गंदा है या बहुत अच्छा है,
ओके उसके बाद जब आप बोलोगे यस मम्मा इट इज वेरी टेस्टी, तो यस मम्मा इट इज वेरी टेस्टी विल बी योर आउटपुट, ठीक है, और मम्मा खुश हो जाएंगे. यस करेक्ट. सो हर चीज के लिए हमें इनपुट प्रोसेस और आउटपुट की जरूरत पड़ती है, और वो इनपुट आउटपुट आउटपुट प्रोसेस और सॉरी वो इनपुट आउटपुट और प्रोसेस के लिए कंप्यूटर के पास क्या होना जरूरी है? प्रोसेसर एंड मेमोरी. प्रोसेसर एंड मेमोरी. ओके, व्हाट इट इज नीडिंग? प्रोसेसर एंड मेमोरी. इज इट क्लियर एवरीबडी? फॉर गेटिंग आउटपुट, फॉर टेकिंग इन प्रोसेस, कंप्यूटर नीड प्रोसेसर एंड मेमोरी. दे आर इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में. मैंने लास्ट टाइम बोला था CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. दिस यू ऑल नो राइट? CPU इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, अब ब्रेन है मतलब इसमें हम मेमोरी है. नाउ वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर हैविंग ब्रेन. ठीक है, तो ब्रेन है मतलब वी आर हैविंग सम मेमोरी, राइट? सेम थिंग कंप्यूटर इज ऑल्सो हैविंग ब्रेन. ब्रेन कौन सा है कंप्यूटर का? CPU. ठीक है, sorry, CPU is a brain of the computer and CPU is having a memory. Okay, CPU is having a memory. They are in a central processing unit. They are in the central processing unit मतलब क्या? ये जो processor and memory जो है वो CPU में present होता है. ठीक है, processor and memory are present in CPU. CPU में कौन से दो चीज प्रेजेंट होते हैं? प्रोसेसर एंड मेमोरी. डू रिमेम्बर दिस थिंग्स. ओके, नेक्स्ट. द CPU इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड वी मे फाइंड द मेमोरी रैम सिस्टम. ठीक है, एज आई सेड CPU इज कंसिडर्ड एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर में जो मेमोरी है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैम. RAM वी विल बी कॉलिंग इट व्हाट? RAM. ठीक है, पार्ट्स वी यूज टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर. नाउ यू आर टेलिंग कि टीचर बोल रहे हैं कि वी आर यूजिंग प्रोसेसिंग, वी आर डूइंग प्रोसेसिंग, वी आर यूजिंग दिस पार्ट. विच पार्ट वी आर यूजिंग फॉर अ प्रोसेसिंग? वी आर यूजिंग टू पार्ट्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, रैम एंड CPU. वी आर यूजिंग टू पार्ट्स टू प्रोसेस. हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स. फर्स्ट कौन सा है? रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. सेकेंड पार्ट कौन सा है? CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नाउ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यू ऑल नो राइट? रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ नेम ऑफ द मेमोरी प्रेजेंट इन द CPU. ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ नेम ऑफ द मेमोरी प्रेजेंट इन अ CPU. इज इट क्लियर? नाउ आई विल रिपीट. प्रोसेसिंग मीन्स टू यूज टू एनालाइज और एनालाइज इनपुट डेटा टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट. जो भी इनपुट डेटा हम लोग देते हैं उसको एनालाइज करके उसका आउटपुट देना इज अ प्रोसेसिंग. टू अकम्प्लिश दिस टास्क कंप्यूटर यूजेस टू थिंग्स, प्रोसेसर एंड मेमोरी. ठीक है, अब ये प्रोसेसर और मेमोरी कहाँ पे प्रेजेंट है? CPU में. ओके, प्रोसेसर और मेमोरी CPU में प्रेजेंट है. ओके, CPU इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर में जो मेमोरी अवेलेबल है उसको हम लोग बोलेंगे रैम. ठीक है, व्हाट वी विल कॉल इट? रैम. पार्ट्स वी यूज टू प्रोसेस प्रोसेसिंग डिवाइस, पार्ट्स वी विच यूज टू प्रोसेस द डेटा इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. उसको हम लोग रैम भी बोल सकते हैं. वी आर नॉट प्रोनाउंसिंग इट एज रैम. Okay, we are pronouncing it as RAM. RAM and CPU. Okay, I hope we are clear with this processing devices. Okay, two parts we are using, RAM and CPU. ये आपको याद रखना जरूरी है. ठीक है, fine. So next, RAM. RAM क्या होता है? Now I told you two parts we are using, RAM and CPU. Now we will see in detail what is RAM. RAM kya hota hai? The memory system known as the RAM, that is random access memory or short term memory. Short term memory matlab sabne Gajni movie dekha hai? Usko short term memory loss tha. Aamir Khan ko short term memory loss tha.
You all know that? If you all know that, you will be able to understand. RAM जो होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, उस मीन्स वो उसको ज्यादा याद नहीं रहता है कुछ भी. ओके हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अभी मैंने बताया उसको थोड़ी देर याद रहेगा, फिर कल पूछेंगे तो वो भूल जाएगा, ऐसे वो RAM होता है. ठीक है, तो मेमोरी सिस्टम नोन एज RAM, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म मेमोरी, इज टेम्परेली स्टोर्स द प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट द कंप्यूटर इज करेंटली यूजिंग. Once the computer is off, the RAM is empty, so it is said to be short-term memory. Now see, sometimes what happens, you are working on a computer. Okay, you are working on a computer. ठीक है, आप computer पे work कर रहे हो और suddenly light चला जाता है. ठीक है, होता है ना ऐसे, बहुत बार होता है, light चला गया, अरे अभी लाइट चला गया, मैंने तो सेव भी नहीं किया, तो अभी मेरा सब काम चला जाएगा. ठीक है, तो वो सब काम चला जाएगा और चला जाता है वो, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? रैम में स्टोर होता है. और जो भी डेटा रैम में स्टोर होते हैं वो वापस नहीं आते एक बार लाइट आने के जाने के बाद. ठीक है, वो चले जाते हैं, मतलब हमें वापस से वो सब करना पड़ता है. अगर आपने सेव किया है वो वर्क, देन इट्स ओके, सेव किया है तो आपका फाइल वापस आएगा. बट अगर आपने सेव नहीं किया है तो आपका फाइल वापस नहीं आएगा. तो जो फाइल वापस नहीं आते हैं डिलीट होने के बाद, लाइट जाने के बाद, वो कहाँ पे सेव होते हैं? रैम में. ठीक है, रैम में सेव होते हैं. जब भी हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हम लोग क्या कंप्यूटर क्या करता है? सारा डेटा रैम में स्टोर करता है. ठीक है, फॉर अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड. ठीक है, तो जब तक हम लोग सेव नहीं करते वो वहां पे रहता है. ठीक है, एज सून एज वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर और हमने सेव नहीं किया, तो वो सारा हमारा काम, जो भी हमने पेंटिंग वगैरह जो भी किया है, वो चला जाता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज शॉर्ट टर्म मेमोरी. कभी कभी ऐसे होता है ना, टीचर ने आज बताया आज आपको ये होमवर्क करना है, आपने क्लास में बोला यस टीचर वी विल डू, और घर पे गए और भूल गए. होता है ऐसे, फिर दूसरे दिन जब टीचर बोलती है तब टीचर बोलती है वेर इज योर होमवर्क, देन यू आर एबल टू, आपको पता चलता है अरे हमने होमवर्क तो किया नहीं. सो दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, मीन्स आप लोग सुन के छोड़ देते हो, दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी. ओके, सो आई विल रिपीट अगेन, द मेमोरी सिस्टम नोन एज रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म मेमोरी. It temporarily stores program and the data that the computer is currently using. Means currently, जो भी काम आप कंप्यूटर पे कर रहे हो बस उतना ही वो स्टोर करेगा. As soon as you switch off the computer, the RAM is empty. वो RAM सब कुछ भूल जाएगा. So it is said to be a short-term memory. जब टीचर डांटते हैं घर पे, पेरेंट्स डांटते हैं, मम्मी पापा डांटते हैं, एग्जाम्पल ना, someone is scolding you. आप क्या करते हो? सुनते हो, फिर बाहर जाके भूल जाते हो. मतलब आपने क्या किया? बस थोड़ी देर के लिए सुना, यस हाँ ऐसे ऐसे मम्मी ने बोला, अभी ऐसे नहीं करेंगे, फिर बाद में भूल गए जैसे थे वैसे. होता है ऐसे कभी कभी. ओके, तो वो क्या है? वो जो डांटना है, वो जो इंफॉर्मेशन है, वो आप आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करते हो. मतलब थोड़ा सा इधर उधर हम लोगों ने कहीं और ध्यान दिया कि वो बात हम लोग भूल जाते हैं. Okay, now your RAM is looking like this. Okay, आपका RAM कैसे दिखेगा? Like this. It will be in green color और rectangular shape में होगा. Okay, it will be in green color and rectangular. ये back and front side of the RAM है. Okay, समझ में आया सबको? So this is a RAM. RAM is also known as short term memory. And full form of RAM is random access memory. It stores the data temporarily. Temporarily means सिर्फ तभी के लिए. For that moment only. Temporary means सिर्फ for that moment only. Okay? I hope we are clear with RAM. Moving to the next. CPU. Now CPU तो almost everybody is knowing. CPU का full form क्या होता है? Central Processing Unit. Okay? It is the most important part of the computer. It is responsible for reading and executing instructions.
ठीक है, अगर कंप्यूटर में सीपीयू ही नहीं है, ठीक है, सीपीयू नहीं है तो जो भी आप इनपुट दे रहे हो वो रीड कहाँ पे होंगे, वो प्रोसेस कहाँ पे होंगे, ठीक है, नहीं होगा कुछ भी. फॉर सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, फॉर कैरिंग आउट द वर्क दैट द यूजर वॉन्ट्स, एंड फॉर डिटरमाइनिंग द स्पीड विथ विच द कंप्यूटर रिसीव्स एंड एग्जीक्यूट्स द कमांड दैट वर गिवन. ओके, तो जो भी कंप्यूटर का स्पीड होता है, ओके, कंप्यूटर का जो भी स्पीड होता है, वर्क करने का स्पीड या फिर आउटपुट देने का स्पीड, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन सीपीयू. डिपेंड्स ऑन व्हाट? सीपीयू. ओके, द सीपीयू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑलवेज फाउंड इनसाइड द डेस्कटॉप टावर ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, सीपीयू जो होता है वो कहाँ पे होता है? डेस्कटॉप टावर ऑफ द कंप्यूटर. सीपीयू ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में होता है, राइट, बॉक्स जैसे, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ओके, तो वो सब हमें वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखेगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर. लैपटॉप में सीपीयू इज लुकिंग लाइक दिस, छोटा सा, ठीक है, छोटा सा सीपीयू दिखेगा हमें. ओके, तो दिस स्मॉल डिवाइस इज हेल्पिंग अस or helping computer to determine the speed of the computer in which it receives and sends the data. ठीक है, कितने जल्दी वो रिसीव करेगा उतने जल्दी हमें उसका रिजल्ट मिलेगा. ऐसे होता है ना, स्कूल में अगर टीचर ने बोला कि होमवर्क देना है, तो जितने जल्दी आप बुक टीचर को दोगे उतने जल्दी चेक होके आपको वापस मिलेगा. सेम लाइक दैट, जितने जल्दी आप इनपुट दे रहे हो उतने जल्दी आपको उतने ही स्पीड में आपका आउटपुट मिलेगा. सो दिस ऑल थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय सीपीयू. दिस ऑल थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय होम? सीपीयू. ओके, सीपीयू इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, विदाउट सीपीयू वी आर नॉट एबल टू डू वर्क विद द कंप्यूटर. फाइन, moving to the next. CPU is clear to you all. Moving to the next, storage devices. Okay, between input and output devices, input or output devices ke beech mein do cheeze aati hai, that is processing device and storage device. Processing device humne dekh liya. Now what are storage device? Storage matlab sabko pata hai, storage means to store something. Yes, स्टोरेज मीन्स टू स्टोर समथिंग. आपने EVS में पढ़ा रहेगा स्टोरेज ऑफ वाटर, ठीक है, स्टोरेज ऑफ सॉइल. सिमिलरली कंप्यूटर सब्जेक्ट इज ऑल्सो हैविंग स्टोरेज डिवाइसेस. ओके, वॉट आर दे? वी विल सी स्टोरेज डिवाइसेस. द कंप्यूटर स्टोर एंड सेव्स द डेटा दैट इट नीड्स टू बी प्रोसेस. पार्ट्स वी यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर आर USB फ्लैश ड्राइव, CD, DVD. ठीक है, नाउ समटाइम्स वॉट हैपन, हर चीज हम लोग कंप्यूटर में स्टोर नहीं कर सकते. ठीक है, नाउ योर टीचर, योर फादर, योर मदर, ठीक है, हर चीज लैपटॉप में सेव करके नहीं रखते. यस यस, दे आर कीपिंग ऑल थिंग्स इन लैपटॉप ऑल्सो, बट उनके पास एक पेन ड्राइव रहता है या फिर CD रहता है या फिर DVD रहता है. ठीक है, वॉट दे आर डूइंग, दे आर टेकिंग अ बैकअप ऑफ दैट. ठीक है, वो सेम चीज वो स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करके रखेंगे. क्यों? क्योंकि अगर उनको कहीं और काम लगा तो दे आर नॉट एबल टू टेक अ PC एंड गो देयर. व्हाट दे विल डू? वो इतना सा छोटा सा स्टोरेज डिवाइस लेंगे, जाके ऑफिस में या फिर स्कूल में उसको इंसर्ट करेंगे एंड दे विल वर्क ऑन इट. ओके, सो कंप्यूटर स्टोर्स और सेव्स डेटा दैट नीड्स टू बी प्रोसेस. अगर टीचर ने बोला है कि यू हैव टू डू अ प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट करना है बोला है, तो आप लोग ने घर पे प्रोजेक्ट किया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अगर आपने घर पे जाके प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपने घर पे क्या क्या प्रोजेक्ट किया है? सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ पेन ड्राइव. पेन ड्राइव सबको पता है ना? ओके, दिस इज अ पेन ड्राइव. पेन ड्राइव क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, यू विल डू, यू विल टेक अ पेन ड्राइव. वो पेन ड्राइव में आपका प्रोजेक्ट कॉपी करोगे, स्कूल में टीचर के पास पेन ड्राइव दोगे, फिर टीचर आपका प्रोजेक्ट देखेगी एंड शी विल गिव अ मार्क्स. करेक्ट? इज इट करेक्ट?
So this is a storage device and this is the use of storage device. Why we are using storage device? For this use, to take information from one place to another. Okay, there are many types of storage device. We will be seeing USB flash drive, CD and DVD. Okay, first one is USB flash drive. USB stands for Universal Serial Bus. Okay, Universal Serial Bus. USB stands for Universal Serial Bus. This device is a port used to connect peripherals such as mouse, keyboard, scanner, digital camera, mobile phone, media player, printer, external hardware, and sound cards, among others. Okay, this device is used to port. This device is a port used to connect. Now, कभी कभी क्या होता है? Now, this is one example of USB flash drive, that is pen drive. ठीक है. Now, sometimes you have listened. आपने कभी सुना होगा कि कंप्यूटर को USB कनेक्ट करो. ओके, कंप्यूटर और मोबाइल को USB से कनेक्ट करो. मतलब वी आर कनेक्टिंग अवर मोबाइल टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ USB वायर. यस, तो उसको भी हम लोग USB फ्लैश ड्राइव ही बोलेंगे. विद द हेल्प ऑफ दैट, मोबाइल में जितने भी आपका डेटा है वो सारा आपको कंप्यूटर में दिखेगा. ओके, सो दिस थिंग्स आर यूज्ड टू कनेक्ट टू डिवाइसेस विद ईच अदर. ठीक है, डिजिटल कैमरा आप लोग अटैच कर सकते हो. यू कैन अटैच मीडिया प्लेयर्स, यू कैन अटैच ब्लूटूथ, यू कैन अटैच साउंड कार्ड्स एंड मेनी अदर थिंग्स यू आर एबल टू अटैच विद ईच अदर. ईच अदर मीन्स टू डिवाइसेस. ओके, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज पेन ड्राइव. पेन ड्राइव, दिस storage device will be known by all of you. Pen drive is a very common example of USB flash drive. Okay, fine. Next, CD and DVD. Now, CD or DVD to itna use nahi hota hai in today's world, but still it is useful. CD ROM, that is compact disc, is a storage device with high capacity. CD-ROM is a storage device with high capacity. Like the floppy disk or USB memory, CD-DVD are used to collect and store information from a portable medium. ठीक है, अभी कंप्यूटर में आपका एक प्रोजेक्ट है या फिर कोई मूवी है, आपका कोई एनिमेटेड मूवी है, तो वो मूवी आपको किसी आपके फ्रेंड के घर पे जाके देखना है. ठीक है, आपके फ्रेंड के घर पे जाके देखना है, बट यू आर नॉट हैविंग पेन ड्राइव, यू आर हैविंग ओनली CD. तो अब क्या करोगे, वो मूवी CD में कॉपी करोगे एंड यू विल गो टू योर फ्रेंड हाउस, CD इंसर्ट करके मूवी देखोगे. इज इट क्लियर? नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि एक बार हम लोगों ने CD में मूवी डाला, आपने मूवी डाला, ठीक है, और वो डिलीट होता है क्या? नो, CD में से कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होता, इट इज रिमेनिंग अनटिल एंड अनलेस यू आर डिलीटिंग. अगर जब तक आप डिलीट करते हो तब तक कोई भी कुछ भी डिलीट नहीं होता है. सो दिस इज नोन एज रीड ओनली मेमोरी. ओके, समझ में आया? एंड यू आर नॉट एबल टू एडिट इट ऑल्सो, उसके साथ कुछ आप एडिट भी नहीं कर सकते हो. ठीक है, आप सिर्फ वो चीज देख सकते हो. समझ में आ रहा है? कोई भी पोर्टेबल मीडियम में से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है तो यू कैन टेक इट इन CD एंड DVD. ओके, इज इट क्लियर? फाइन. सो I hope we are clear with the storage devices. Also, today we have seen about processing device, okay, and storage device. Processing device is having two parts. That is, कौन से parts है? Processing device is having two parts. That is RAM and CPU, okay. Storage devices is used to store the data. And how many storage devices we have seen today? USB flash drive and CD-DVD. ठीक है, दो parts हर दोनों में देखा है हमने, processing में भी और storage में भी. USB stands for Universal Serial Bus. Okay, I hope we are clear with this now. Okay, so.